नमस्कार, मैं जसजीत कौर, फास्ट न्यूज नॉर्थ बंगाल टू सिक्किम में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं कुछ अहम खबरें। रविवार को विभिन्न कार्यक्रम के माध्यम से शारदा माँ का जन्मोत्सव मनाया गया। इस अवसर पर सुबह से ही जलपाईगुड़ी रामकृष्ण मिशन आश्रम में भक्तों की भीड़ देखी गई। सुबह माँ शारदा देवी की आरती कर पुष्पांजलि कर श्रद्धा अर्पित की गई। दोपहर को भक्तों में प्रसाद वितरण किया गया। इस दिन सुबह से ही आश्रम में भक्तों की भारी भीड़ देखी गई। भाजपा जलपाईगुड़ी नगर मंडल एक की ओर से रविवार को एक नंबर वार्ड की इंदिरा कॉलोनी में टीएमसी माकपा कांग्रेस पार्षद व नगर पालिका प्रशासक मंडल के कथित भ्रष्टाचार के खिलाफ पथ सभा का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में जलपाईगुड़ी भाजपा जिला समिति के उपाध्यक्ष आलोक चक्रवर्ती, सचिव तपन राय महा और साथ ही अन्य उपस्थित रहे। ओमिक्रॉन मचाएगा कहर, जनवरी फरवरी में तेजी से फैलेगा संक्रमण। 2 लाख कोविड बेड की तैयारी करनी होगी। देश के 3 एक्सपर्ट्स ने ये चेतावनी दी है। देश में ओमिक्रॉन के 422 केसेस सामने आए हैं। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा 108 संक्रमित हैं। दिल्ली दूसरे नंबर पर है, वहीं बंगाल में कुल 6 मामले की पुष्टि हुई है। कोलकाता में चुनाव के बाद कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि अदालत की छत्रछाया में हो बंगाल के बाकी नगर निकायों के चुनाव। सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस के विधायक रविवार को फुटबॉल प्रतियोगिता के आयोजन का जायजा लेने मैदान का निरीक्षण करने पहुंचे। चुनाव के बाद से तृणमूल समर्थकों द्वारा राज्य में थैला होबे के नारे लगाए जा रहे हैं। इस नारे के समर्थन को लेकर खेला होबे कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इस दौरान वह खुद फुटबॉल पर किक लगाते दिखाई दिए। यह प्रतियोगिता 27 व 28 को होगी। फिनाले अगले महीने के 8 तारीख को रखा गया है। कालचीनी पुलिस ने रविवार को थाना परिसर में कालचीनी प्रखंड के दिव्यांग लोगों के साथ पिकनिक का आयोजन किया। पुलिस सूत्र के अनुसार आज कालचीनी थाना के कालचीनी प्रखंड के विभिन्न हिस्सों से काफी संख्या में दिव्यांगों ने पिकनिक में हिस्सा लिया। इस अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया। पूरे कार्यक्रम में अलीपुर द्वार के SDPO देवाशीष चक्रवर्ती मौजूद रहे। अलीपुरद्वार जिला के कालचीनी प्रखंड के दलसिंहपाड़ा गोपाल बहादुर झुंगी बस्ती में रविवार को खस जनजाति के सांस्कृतिक कार्यक्रम उद्धोली पूजा का आयोजन किया गया। खस जनजाति की ओर से आज इस पूजा का आयोजन किया गया। खस जनजाति के सचिव सचिन छेत्री ने पूजा के बारे में कहा कि यह पूजा प्रकृति और पशुओं की सुरक्षा के लिए आयोजित की जाती है। कृषि मंत्री शोभेंद्र चटर्जी रविवार को कालचीनी प्रखंड के राजाबाद खावा ग्राम पंचायत के संतलाबाड़ी पहुंचे। कालचीनी प्रखंड तृणमूल कांग्रेस के अध्यक्ष पासंग लामा समेत काफी संख्या में तृणमूल नेता इस कार्यक्रम में मौजूद रहे और उनका स्वागत भी किया गया। रविवार को संतलाबाड़ी क्षेत्र में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। समारोह के बीच कृषि मंत्री शोभन देव चटर्जी ने इलाके के 500 जरूरतमंद लोगों के बीच कपड़े वितरण किए। फास्ट न्यूज नॉर्थ बंगाल टू सिक्किम में आज के लिए इतना ही। देखते रहिए इसके लाइव। Damro celebrates happiness with happy prices on all its furniture collection for Christmas and New Year. For more details, visit your nearest Damro showroom or damroindia.com. घर का फर्नीचर ही घर की शोभा होती है। गेस्ट की नजर फर्नीचर पर ही पड़ती है। बेडरूम सेट से लेकर डाइनिंग टेबल, सोफा सेट, वॉल यूनिट, ऑफिस फर्नीचर, लेदर सोफा, महाराजा सोफा इत्यादि। इसकी रेंज और कीमत को देखते हुए फर्नीचर का वन स्टॉप सॉल्यूशन है वुड से। डेकोर योर ड्रीम। सत्यम प्लाजा नियर भक्तिनगर चेक पोस्ट सेवक रोड सिलीगुड़ी। फोन 9564130130। लोड शेडिंग और पावर फ्लक्चुएशन से परेशान? इन्वर्टर और स्टेबलाइजर लगाओ, परेशानी से निजात पाओ। घर एनवायरनमेंट का रखना है ख्याल तो सोलर एनर्जी का करो इस्तेमाल।
जी हाँ, UPS, इन्वर्टर, बैटरी, स्टेबलाइजर और सोलर एनर्जी के लिए विजिट करें सुमित इम्पैक्ट्स, पानी टंकी मो, सेवक रोड, सिलीगुड़ी। अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई का टोटल समाधान, मार्केट से कम मिलेंगे दाम। कॉन्टैक्ट अस 9434062106।